ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है ईश्वर की ओर से एक अनमोल उपहार है। इसका उपयोग करो, इसका आनंद उठाओ और जब तुम इसको प्रेम करना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि ये बदल रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर में जीता है तो वह इसकी देखभाल शुरू कर देता है, और देखभाल का मतलब हर चीज़ से है। फिर तुम इसे अनावश्यक भोजन से नहीं भरते क्योंकि तुम्हें इसकी परवाह है। फिर तुम इसे भूखा नहीं छोड़ते क्योंकि तुम्हें इसकी परवाह है। तुम इसकी मांगों को सुनते हो, तुम इसके संकेतों को समझते हो, ये क्या चाहता है, कब चाहता है। जब तुम परवाह करते हो, जब तुम प्रेम करते हो, तो तुम्हारे शरीर के साथ एक तालमेल बैठ जाता है और शरीर में परम स्वास्थ्य घटता है, खुद को आरोग्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। यदि तुम शरीर पसंद नहीं करते तो यही समस्या का कारण बनेगा, क्योंकि फिर तुम धीरे धीरे शरीर के प्रति उदासीन हो जाओगे, इसकी उपेक्षा करोगे। क्योंकि शत्रुओं की परवाह कौन करता है, तुम इसे नहीं देखोगे, तुम इससे बचोगे, तुम इसके संदेशों को सुनना बंद कर दोगे और फिर तुम इससे और भी अधिक घृणा करने लगोगे, और तुम ही पूरी समस्या का निर्माण कर रहे हो। शरीर कभी भी कोई समस्या पैदा नहीं करता, ये मन है जो समस्याएं पैदा करता है। अब ये मन का एक विचार है, कोई भी जानवर शरीर के बारे में किसी भी विचार से पीड़ित नहीं होता, कोई भी जानवर, यहाँ तक कि बड़ी व्हेल मछली भी नहीं। कोई समस्या नहीं है इसमें, बस आदर्श को छोड़ दो, अपने शरीर से प्रेम करो। ये तुम्हारा शरीर है, ये ईश्वर का एक उपहार है, तुम्हें इसका आनंद उठाना है और तुम्हें इसकी देखभाल करनी है। जब तुम देखभाल करते हो तो बड़े स्वाभाविक ढंग से तुम इसको व्यायाम और योग भी देते हो। तुम ठीक खाते हो, तुम ठीक सोते हो, तुम बहुत अच्छी देखभाल करते हो, क्योंकि ये तुम्हारा साधन है। जैसे कि तुम अपनी कार की देखभाल करते हो, उसे साफ रखते हो, उसके इंजन को ठीक रखते हो, कोई उसको ठोकर ना मार दे, कोई स्क्रैच उस पर ना आ जाए, उसी तरह से ये शरीर तुम्हारा यंत्र है, तुम इसको भी प्रेम और सुरक्षा देते हो। बस शरीर की देखभाल करो और ये पूरी तरह से सुंदर हो जाएगा। यही है, ये एक इतना सुंदर तंत्र है, एक बहुत ही परिष्कृत मशीन, इससे ज़्यादा कुछ भी सोफिस्टिकेटेड नहीं है। ये इतनी जटिल है और फिर भी इतनी कुशलता से काम कर रही है कि 70 वर्षों तक ये काम करती रहेगी। चाहे तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, जागृत हो या बेहोश, ये कार्य करती रहती है, और कार्य इतना मौन होता है, यहाँ तक कि तुम्हारी देखभाल के बिना भी ये कार्य करती रहती है, ये तुम्हारी सेवा करती रहती है। शरीर के प्रति कृतज्ञ होना सीखो, इसको खूब धन्यवाद दो, खूब प्रेम दो। इस प्रभु के उपहार के कारण तुम्हें ये सुंदर जीवन देखने को मिला, उसकी प्रकृति का अनुभव करने को मिला, और इसी शरीर के कारण प्रभु के मिलन की घटना भी घटती है। प्रणाम।